क्या प्रकाशित वाक्य में यहुन्ना ने की थी कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणी? क्या यीशु मसीह ने बताया अपने चेलों को कोरोना वायरस के बारे में? क्या कोरोना वायरस से होगा दुनिया का अंत? तो कब होगा दुनिया का अंत? मेरे प्रियो, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब चाहते हैं सभी मसीह भाई बहन, क्योंकि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। ये एक महामारी का रूप ले चुका है और पूरे दुनिया में ये कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। इस कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो चुकी है। क्या यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य में की है इस कोरोना वायरस के बारे में भविष्यवाणी? प्रकाशित वाक्य की किताब को जब हम देखते हैं, उसके 6 अध्याय में 7 और 8 पद को जब हम पढ़ते हैं, जब यूहन्ना ने दर्शन देखा तो उसने क्या देखा कि चौथी मोहर खोली गई और एक प्राणी का सा शब्द उसे सुनाई दिया और उसने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मेरे प्रियो, यहाँ पर मृत्यु के दूत को यह अधिकार दिया गया है कि वो महामारी फैलाए, मरी को फैलाए और 1/4 लोग उस मरी से, उस अकाल से या फिर तलवार से या फिर वन पशुओं से मार डाले जाएं। ये कोरोना वायरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये कोरोना वायरस भी जानवरों के द्वारा ही फैला हुआ है। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि इस कोरोना वायरस की जो भविष्यवाणी है यहां पर पूरी होती है कि वन पशुओं के द्वारा बहुत से लोग मारे जाएंगे और मरी फैलेगी। ये एक महामारी का रूप इस कोरोना वायरस ने ले लिया है और बहुत सारे लोग इससे मर रहे हैं। तो यूहन्ना ने हमें प्रकाशित वाक्य की किताब में ये सब पहले ही बता दिया था। क्या यीशु मसीह ने बताया अपने चेलों को कोरोना वायरस के बारे में? लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और 11 पद में देखते हैं कि यीशु मसीह ने अंत के समय के बारे में अपने चेलों को बताया। यहाँ पर लिखा है कि बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। यहाँ पर यीशु मसीह महामारियों के बारे में बात करते हैं, न केवल एक कोरोना वायरस के बारे में, न कि एक महामारी के बारे में, बल्कि महामारियों के बारे में। यानी कि हो सकता है अभी आने वाले समयों में और भी कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारियां, महामारियां इस दुनिया में फैले। तो यीशु मसीह ने यह सब हमें पहले ही बता दिया था। तो क्या कोरोना वायरस से दुनिया का अंत हो जाएगा? मेरे प्रियो, नहीं, कोरोना वायरस से दुनिया का अंत नहीं होगा। हालांकि इस कोरोना वायरस से बहुत से लोग मर रहे हैं, परंतु फिर भी दुनिया का अंत नहीं होगा। तो फिर दुनिया का अंत कब होगा? मत्ती रचित सुसमाचार में हम इस बात को देखते हैं जब यीशु मसीह ने बताया कि दुनिया का अंत कब होगा। मत्ती 24 अध्याय और उसका 14 पद में इस प्रकार से लिखा है कि जब राज्य का समाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे प्रियो, इस दुनिया का अंत तब होगा जब यीशु मसीह का सुसमाचार सारे जगत के सब लोगों तक पहुंच जाएगा। तब यीशु मसीह का आना होगा और दुनिया का अंत हो जाएगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये महामारियां, ये विपत्तियां, ये अकाल, ये भूकंप, ये सब तो यीशु मसीह ने पहले ही बता दिए हैं कि मेरे आने से पहले ये सब होगा। इसलिए आप डरे नहीं, आप घबराए नहीं, आप केवल प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है और प्रभु आपको लेने के लिए आ रहे हैं और आप उसके साथ बादलों में स्वर्ग में उठाए जाएंगे और उसके साथ राज्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।